Greetings, my dear students. My name is Dr. Rafi Indrabi. Today, I would like to teach you some basic mathematical concepts, the basic mathematical tools which you oftenly face when you study physics. You know, most of the students find physics difficult because they are not well aware of the mathematical tools, the mathematical techniques that they frequently face while studying physics. In this lecture, I will try to revise some of their basic concepts which you have studied in your earlier classes, and I will try to introduce few more concepts. The first concept, the first thing I will try to teach is trigonometry. Trigonometry is the branch of mathematics which deals with angles, triangles, polygons and all that. The first thing which you face when you start studying is trigonometry is angle. Angle kya hota hai beta? Agar hamare paas koi bhi straight line hai, ye yahan pe BC ek straight line hai, hum straight line ko is fixed point ke around revolve kar rahe hain, to yahan pe angle banta hai. Humne isko kitna revolve kiya, wahi determine karta hai ki ye angle kitna hai. Aur angle ko represent karte hai theta se. Agar main isko aur revolve karunga, तो दैट मींस मैंने एंगल बढ़ा दिया, थीटा बढ़ गया. मैं इसको और रिवॉल्व करूंगा, थीटा बढ़ गया. दैट मींस ये एंगल कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने इस स्ट्रेट लाइन को अपनी इनिशियल पोजीशन पे कितना उसको घुमाया, उसको कितना रिवॉल्व किया. क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग को मेजर करनी होती है तो उसके लिए जो मेजरिंग टूल है वो हम SI यूनिट्स में उसको मेजर करते हैं. तो एंगल का जो SI यूनिट है वो है रेडियन. रेडियन समझने की जरूरत है, इसको मैं इसके बाद समझाऊंगा. ये एंगल हम अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैं मानता हूं फिक्स्ड पॉइंट है, अगर हमने इस स्ट्रेट लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया. आपको पता होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. सो अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो जो थीटा हम लेते हैं, एंगल हम लेते हैं, ये हम पॉजिटिव लेते हैं. इट्स अ साइन कॉन्वेंशन. अगर हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं. अगर हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसी लाइन को हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जो एंगल यहां पर हम लेते हैं, दिस एंगल वी टेक इज नेगेटिव. तो यहां पे थीटा जो है ये नेगेटिव है और यहां पे थीटा पॉजिटिव है. दैट मींस अगर एंटी क्लॉकवाइज इस लाइन को हम रिवॉल्व करते हैं तो थीटा उस टाइम पॉजिटिव है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं तो थीटा उस टाइम नेगेटिव है. आज तक आप लोगों ने एंगल्स को डिग्रीज में मेजर किया. अगर हमारे पास बहुत छोटा वाला एंगल है तो हम उसको मिनट्स में मेजर करते हैं. मिनट्स एक स्मॉलर यूनिट ऑफ डिग्री है, यानी एक मिनट एक डिग्री का 1/60th पार्ट है. दैट मींस एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है. अगर एंगल उससे भी छोटा होगा तो हम उसको सेकंड्स में मेजर करते हैं. एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड उसका भी स्मॉलर यूनिट है. चले बेटा ठीक है. ओके तो इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट जो रेडियन का है, जो मैंने आपको बताया कि SI यूनिट जो एंगल का है रेडियन, इसको समझने की कोशिश करेंगे. देखिए बेटा रेडियन क्या होता है. अगर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां पे एक कंपास लेंगे, हम इसको यहां पे रखेंगे, एक रेडियस चूज करेंगे, तो हम एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये एक आर्क है, इसकी कोई लेंथ होगी, सपोज इसकी लेंथ, सपोज कोई लेंथ इसकी होगी एल. अगर इसकी लेंथ आर के बराबर होगी, यानी जो ये आर्क है इसकी लेंथ और रेडियस इसका बराबर होगा, तो यहां पे जो एंगल बेटा बनेगा वो होगा 1 रेडियन. पूरा ध्यान रखिए. हम एक कंपास लेंगे, यहां पे इसको फिक्स करेंगे और यहां पे और एक रेडियस इसका चूज करेंगे, इसको खोलेंगे, एक रेडियस इसका चूज करेंगे. अगर एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे, अगर इस आर्क की जो लेंथ है इस रेडियस के बराबर होगी, तो यहां पे जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन. तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक रेडियन कितना होता है. अगर सपोज मैं ये बता दूं कि यहां पे
ये एंगल 90 डिग्री है, ये हो गया 90, तो टोटल एंगल हो गया 180 प्लस 90 हो गया 270 प्लस 90 हो गया 360 डिग्री. दैट मींस ये जो टोटल एंगल है ये यहां पे 360 डिग्रीज है. रेडियंस में अगर हम इस पूरे एंगल को लिखेंगे तो ये 2 पाई के बराबर होगा. दैट मींस 2 पाई रेडियंस कितना होता है बेटा, ये 360 डिग्रीज के बराबर होता है. ये कन्वर्जन है जिसमें हम रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी 2 पाई रेडियंस बेटा ये होता है बराबर 360 डिग्रीज. 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे. तो पाई रेडियन कितना होगा बेटा, पाई रेडियन होगा बराबर 360 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज के बराबर होगा, पाई रेडियंस होगा 360 डिवाइडेड बाय 2, सीधी सी बात है. तो दैट मींस पाई रेडियन कितना होगा बेटा, 180 डिग्रीज के बराबर. तो फाइनली आप लोगों ने बेटा याद रखा, अगर हम रेडियंस को डिग्रीज में या डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम ये याद रखेंगे कि जो पाई रेडियंस है वो होता है बराबर 180 डिग्रीज. दैट मींस ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा, तो दैट मींस ये पाई रेडियन होगा, और ये पाई रेडियन होगा नीचे इधर, तो दैट मींस ये पाई प्लस पाई होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. तो आप लोगों ने बेटा याद रखा जो पाई रेडियन है ये 180 डिग्रीज के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्रीज के बराबर होगा. तो अगर हमें एक रेडियन का वैल्यू निकालना है तो इसको ये यहां पे डिवाइड करेंगे, सो दैट मींस 1 रेडियन किसके बराबर होगा, that will be equal to 180 degree divided by pi. 1 radian that is equal to 180 degree divided by pi. और pi का value बेटा आपको पता है, that is 3.14. तो जब हम इसको calculate करते हैं तो that comes out approximately equal to 57.3 degrees. In the meanwhile हम लोग अक्सर mathematics physics में ये जो pi है, pi एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, हम इसको यूजुअली फेस करते हैं. मैं यहां पे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं बेटा, ये पाई एक्चुअली है क्या, ये पाई कहां से आया, ये नंबर एक्चुअली है क्या. आपको तो इसका वैल्यू पता है बेटा 3.1415, और आगे बहुत सारा, अगर बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज तक इसका वैल्यू है. फिलहाल आप अगर इतना याद रखेंगे वो सफिशिएंट है. तो ये पाई एक्चुअली है क्या, आपको बेटा पता है कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, अगर ये इसका रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस अगर हम निकालेंगे, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है बेटा बराबर 2 पाई आर. ये तो आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ये यहां पे इसका सेंटर है, अगर मैं ये पूरा नाप लू, ये इसकी सर्कमफ्रेंस नाप लू, वो किसके बराबर होगा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू पाई. तो पाई किसके बराबर होगा, पाई होगा बराबर सी डिवाइडेड बाय 2 आर. पाई मैंने यही पे रखा और 2 आर बेटा नीचे आ गया, यानी सी डिवाइडेड बाय 2 आर के बदले में डायमीटर लिख सकता हूं, क्योंकि ट्वाइस रेडियस दैट इज इक्वल टू डायमीटर. देखिए बेटा यहां पर पाई का वैल्यू आ गया. इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई भी सर्कल बनाऊं उसका रेडियस मैं खुद डिसाइड करूं, मैं कंपास लूं, मैं उसका रेडियस फिक्स करूं, उसके बाद सर्कल बना लूं, उस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी वो मैं आराम से निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से. अगर मैं उस सर्कमफ्रेंस का रेशियो लूं उसके डायमीटर के साथ, ये हमेशा यही वैल्यू आता है 3.14. आप कितना भी बड़ा सर्कल ड्रॉ करिए, आप रेडियस कितना भी बड़ा लेंगे, आप डायमीटर कितना भी बड़ा लेंगे, आप उसकी सर्कमफ्रेंस मेजर कीजिए, उस सर्कमफ्रेंस को आप डायमीटर से डिवाइड कीजिए, आपको हमेशा वैल्यू मिलेगा 3.1415. तो यही एक कांस्टेंट है पाई. दैट मींस आप कितना, आप छोटा सर्कल बनाते हैं, इसका ये डायमीटर है सपोज, और ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, आप सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर कीजिए. मैं इसे बड़ा सर्कल बनाऊं, मैं डायमीटर बढ़ा लूं, तो सर्कमफ्रेंस बढ़ जाती है, सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कीजिए बाय डायमीटर, अगेन 3.14 आएगा. मैं इससे बड़ा सर्कल बना लूं, उसकी सर्कमफ्रेंस में देख लूं, मेजर कर लूं, और उसको इसके डायमीटर से डिवाइड कर लूं, तब भी जो रेशियो आएगा वो हमेशा पाई के बराबर ही आएगा, 3.14 के बराबर ही आएगा. इसीलिए ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कांस्टेंट है जो हम यूजुअली यूज करते हैं फिजिक्स में.
चले बेटा ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम अगर हमें रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो एक रेडियन होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई। दैट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, वन रेडियन दैट विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। इसी तरह मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्रीज पाई के बराबर होता है, 1 डिग्री जो होगा वो पाई बाई 180 डिग्रीज के बराबर होगा, और x डिग्रीज कितना होगा बेटा, वो होगा बराबर पाई बाई 180 रेडियंस के बराबर। दैट मींस डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि अगर हमें रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीपल करना है, अगर हम लोगों को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीपल करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। तो यह चीज आप बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बेटा समझा कि एक रेडियन वो एंगल है जो एक ऐसी आग जिसकी लेंथ उसके रेडियस के बराबर है जो इसके सेंटर पे बनाती है, उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं 1 रेडियन। ओके बेटा चलिए ठीक है। अब मैं दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये एक सर्कल है, इस पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस अगर मैं बताऊं वो किसके बराबर होगी बेटा, सर्कमफ्रेंस अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा वो होगी बराबर 2π r के बराबर। इस पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगी, 2π मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस। को दैट मींस मैंने पूरा एंगल यहां पे लिया, ये पूरा एंगल 2π है, ये पूरा एंगल 2π है, ये पूरी सर्कमफ्रेंस c है, c जो है ये पूरा इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस है और 2π पूरा एंगल है। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरा एंगल नहीं लूं, मैं पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं लूं, मैं इस सर्कमफ्रेंस का सिर्फ इतना सा पार्ट लूं, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाली आर्क, अगर इसकी लेंथ एल है तो 2π के बदले मुझे रिप्लेस, इसको 2π को रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा से, क्योंकि पहले मैंने पूरा सर्कमफ्रेंस लिया था तो उस टाइम एंगल आया था पूरा 2π। जब मैंने इतनी आर्क ली जिसकी लेंथ एल है, वहां पे मैं 2π को रिप्लेस करूंगा इतने ही एंगल से जो थीटा है इनटू आर। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जो रिलेट करती है एक आर्क में आर्क ऑफ द लेंथ को, रेडियस ऑफ द सर्कल को, रेडियस ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ द आर्क को, और थीटा इज द एंगल ऑफ द आर्क। सो दैट मींस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच रिलेट्स दीज थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, एंगल, एंगल, आर्क लेंथ एंड द रेडियस। चलिए बेटा ठीक है। चलिए ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं किसमें, इनको हम ये रेडियंस में दिए हुए हैं, हमें इनको कन्वर्ट करना है, हमें इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि जो 2π रेडियंस है कितना होता है बेटा, जो मैंने इससे पहले ही बोला, ये 360 डिग्रीज के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है कि जो 2π रेडियंस है वो 360 के बराबर होगा। अब अगर पाई रेडियंस है वो कितना होगा, वो होगा इसका डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस वो होगा 180 डिग्री के बराबर। 2π रेडियंस 360 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, पाई बाय 2 रेडियंस कितना डिग्रीज होगा बेटा, वो होगा 90 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसी तरह पाई बाय 3 यानी पाई जो है वो 180 डिग्रीज है, डिवाइडेड बाय 3 That means ये 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी आप याद रखोगे बेटा अभी से, जो 60 डिग्रीज हैं इसको हम पाई बाई 3 से रेडियंस में लिख सकते हैं, 90 डिग्रीज को पाई बाई 2 रेडियंस लिख सकते हैं, 180 को पाई रेडियंस लिख सकते हैं। इसी तरह पाई बाई 4 दैट मीन 180 बाई 4 तो वो कितना हो गया बेटा, वो हो गया 45 डिग्रीज। यानी पाई बाई 4 को हम बेटा 45 डिग्रीज लिख सकते हैं। इसी तरह पाई बाई 6 यानी 180 डिवाइडेड बाई 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 30 डिग्रीज लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने बेटा याद रखा कि
30 डिग्री इज पाई बाय 6 रेडियंस होता है, 45 डिग्री इज पाई बाय 4 रेडियंस होता है, 60 डिग्री इज पाई बाय 3 रेडियंस होता है, 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियंस होता है, 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस होता है। इसी तरह आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एंगल दिया हुआ है तो आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डिग्रीज में दिया हुआ है एंगल तो आप रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर रेडियंस में दिया हुआ है तो आप बेटा डिग्रीज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो क्या क्या दिया हुआ है बेटा, एक आर्क है, आर्क की लेंथ जो है वो बेटा पाई सेंटीमीटर्स है, पाई सेंटीमीटर्स है, जो सर्कुलर आर्क है इसकी लेंथ पाई सेंटीमीटर्स दी हुई है और इस आर्क का जो रेडियस दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर्स है। हम लोग को बेटा ये एंगल निकालना है, ये एंगल, दिस एंगल थीटा। तो मैंने बेटा अभी आप लोगों को जो फॉर्मूला बताई, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो हम लोग को यहां पे तो एंगल ही निकालना है ना, ये भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो हम लोग को बेटा यहां पे थीटा ही तो निकालना है ना। सो दिस इज थीटा विल बी इक्वल टू एल बाय आर। सो एल क्या है बेटा, एल है पाई सेंटीमीटर्स और आर का वैल्यू क्या है बेटा, वो है 6 सेंटीमीटर्स। सो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर गो विल गो, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस। तो रेडियंस में बेटा ये जो एंगल होगा that will be equal to pi by 6 over here. अब हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बेटा पता है pi radians 180 degrees होता है, divide by 6, so that will be equal to 30 degrees. चलिए बेटा ठीक है, चलिए हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, व्हेन ए क्लॉक शोज 4 o'clock, हाउ मच एंगल डज इट्स मिनट एंड आवर हैंड मेक। यानी ये एक क्लॉक है, इसमें अभी 4 बजे हुए हैं, हम लोगों को ये बताना है कि ये जो मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, ये कितना एंगल यहां पे बनाता है, हमें ये एंगल थीटा निकालना है। देखिए बेटा पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, पूरा एंगल मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि जो पूरा एंगल है बेटा वो है 360 डिग्रीज। ये 360 डिग्रीज पूरा एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 पार्ट्स में, तो दैट मींस 12 पार्ट्स 360 डिग्रीज बनाते हैं। तो एक पार्ट कितना बनाएगा, यानी 12 पार्ट्स बनाते हैं 360 डिग्रीज, तो एक पार्ट बनाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12, होगा कि नहीं होगा। सो दैट मींस एक पार्ट जो है वो 30 डिग्रीज का होगा। दैट मींस अगर ये एंगल में मान लूं, ये वाला एंगल एक पार्ट जो बनाता है, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो यहां तक पूरे कितने हो हैं, ये है 1 2 3 और 4, दैट मींस 1 2 3 एंड 4, एक 30 डिग्रीज का है तो 4 कितने होंगे, सो 4 डिवाइडेड बाई 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। That means ये जो पूरा एंगल यहां पे बनेगा जो हम लोग से पूछा गया है, that is equal to 120 degrees. आपको बेटा पता है कि 180 degrees कितना होता है, वो पाई रेडियंस के बराबर होता है, एक डिग्री पाई बाई 180 degrees, पाई बाई 180 रेडियंस के बराबर होगा, और जो अगर 120 degrees हम लोग को निकालना है वो होगा बराबर पाई बाई 180 into 120 0 0, this will go, so it will be 6 pi by 9, yes, so it will be equal to 2 pi by 3. So the angle here, ye jo yahan pe angle hai, that is 120 degrees or it is 2 pi by 3 radians. बात समझ में आ रही है बेटा, चलिए ठीक है, लेट्स गो अहेड। चलिए
ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आपकी ये चीजें रिफ्रेश भी हों और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये अगर एंगल ये है तो इसके जो अपोजिट साइड जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो इसका एडजेसेंट साइड होता है तो ये बेस है, और जो तीसरा साइड होता है ये हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है कि ये जो तीन साइड्स है ये कैसे रिलेटेड है पाइथागोरस थ्योरम से, बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, अगर आप इसका थीटा फिक्स करेंगे, एंगल फिक्स करेंगे, तो ये जो रेशियो है ये हमेशा फिक्स हो जाएगा। दैट मींस अगर ये थीटा मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक ट्रायंगल बनाई इसमें थीटा मैंने इतना डिसाइड कर लिया, तो ये जो रेशियो है इसके परपेंडिकुलर का रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज, ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। तो हम इस फिक्स्ड वैल्यू को डिफाइन करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं। इसी तरह इस ट्रायंगल में जो रेशियो होगा बेस और हाइपोटेन्यूज का, यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये एक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम कोसाइन थीटा बोलते हैं। इसी तरह तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा दैट विल बी द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द बेस, दैट वी कॉल एज टेंजेंट ऑफ थीटा। सो वंस जब भी आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें एंगल ऑफ चूज करते हैं, तो जो बाकी रेशियोज हैं वो उसी टाइम फिक्स हो जाते हैं। उन रेशियोज को हम डिफरेंटली डिफरेंट नेम्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर बाय हाई एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा, सिमिलरली रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस थीटा, द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर हम इनका इनवर्स लेंगे हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर, दैट इज अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं, इसी तरह सेक थीटा और इसी तरह कोटेंजेंट थीटा। और इसको याद रखने का तरीका यह है कि हम बोलते हैं साइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अगर हम लोग को ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है तो ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो कुछ एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जो हम लोगों को अक्सर यूज हो जाते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ये है कि हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 पे, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया हुआ है, रेशियोज का टेबल दिया हुआ है। ये हर किसी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेंजेंट का वैल्यू, उसके बाद आप कोसेक, सेक और कोटेंजेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, जो फिजिक्स में अक्सर यूज होते हैं। तो मैं यही आप लोगों से बताऊं कि आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से याद भी कीजिए। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन एंगल्स के अलावा हमारे पास चलिए एक और चीज है। अगर हम लोगों ने अब इसको अच्छे से समझा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से देखा, तो अगर ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम ये थीटा ले तो दैट मींस ये जो ये वाला साइड बेस है, ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज है। सो दैट मींस अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बेटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। सो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 3, क्योंकि साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, दैट मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का किसके बराबर है, 5 के बराबर। हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, यानी हम लोग को साइन थीटा दिया हुआ है, हम लोग को कॉस ऑफ थीटा निकालना है और हम लोगों को टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है। अगर हम ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, तीसरा तो दिया हुआ है, हम कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कोटेंजेंट थीटा भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसलिए हम लोग को यहां पर जरूरत पड़ेगी यहां पर इसकी बेस का, इसका वैल्यू। तो आपको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो बेस स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा, फिर वो होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या है, 5, तो इसका स्क्वायर आएगा 25 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो दैट मींस इट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो दैट विल बी इक्वल टू 16। सो दैट मींस बेस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो दैट मींस बेस का वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटा, ये 4 के बराबर आएगा। अब आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5
बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज है. इसी तरह टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस 3/4. आप इसको आराम से निकाल सकते हैं. इन रेशियोज के अलावा और भी दो एंगल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज होते हैं. इसमें एक एंगल है 37 डिग्री और दूसरा एंगल है 53 डिग्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एंगल्स हैं जो अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं. इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. यानी ये एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक साइड 3 है, दूसरा साइड 4 है और तीसरा साइड 5 है. अगर आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3, 4, 5. आप बेटा याद रखेंगे, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 37 डिग्री, नॉट 34. इट विल बी इक्वल टू 37 डिग्री. इट विल बी इक्वल टू 37 डिग्री बेटा. दिस एंगल विल बी इक्वल टू 37 डिग्री. So, ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो इसके बिल्कुल सामने वाला साइड यानी परपेंडिकुलर जो है वो 3 के बराबर है और जो बेस है वो 4 के बराबर है, जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 के बराबर है. इसी तरह ये वाली ट्रायंगल, इसके बिल्कुल सामने जो है ये यहां पे साइड स्वैप होते हैं, यहां पे इधर 4 आता है और इधर 3 है. आपको बेटा याद रखना है, अगर ये एंगल 53 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 53 डिग्री है, ये वाला साइड जो है ये 4 होगा, ये 3 होगा और बेटा ये 5 होगा. तो अब क्वेश्चन है, आपको साइन 37 डिग्री निकालना है. तो दैट मींस एंगल ये है, ट्रायंगल ये है, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस 37, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट ऑफ 37, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस. इसी तरह साइन ऑफ 53, दैट मींस वी हैव टू टेक दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. Cos 53, base by hypotenuse. Tangent of 53, so that will be equal to perpendicular by base, so that will be equal to 4/3. Is that fine? Okay. So I think that is enough for this lecture. In the next lecture, I will go ahead with more basic concepts of mathematics, mathematical tools that you require for understanding physics. Thank you.